गुड मॉर्निंग ऑल माय यूट्यूब फ्रेंड्स, दिस इज माय ट्रैकिंग स्टाइल इन फ्रेंड्स। तो मैं हेमराज मीना और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप इसमें आज देखेंगे कि हम जंगल में ट्रैकिंग कैसे करते हैं और ट्रैकिंग करते समय हमको किन किन बातों की सावधानी रखनी है, ये इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप एंड तक बने रहिए और देखिए जंगल में कितने दुर्गम और विहंगम दृश्य के साथ में हम ट्रैकिंग करते हैं और कितनी सुंदर सुंदर जगह पर आपको लेके चलते हैं। इस वीडियो को देखते जब दोस्तों हम ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं तो हमको निम्न चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें हमारे साथ में होनी चाहिए। जैसे ट्रैकिंग शूज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रैकिंग के दौरान। ट्रैकिंग शूज के बिना आप ट्रैकिंग नहीं करें, क्योंकि जंगल के अंदर पथरीला रास्ता, कांटे और कीड़े मकोड़े ये होते हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए हमको ट्रैकिंग शूज और हमको कैमोफ्लाज कपड़े पहनने चाहिए प्रकृति के अनुरूप, एवं हमको पानी की बोतल और हमारे जो आवश्यक चीज़ें हैं फर्स्ट एड किट वगैरह ये रखनी चाहिए ट्रैकिंग के दौरान। देखो दोस्तों, हम ट्रैकिंग करते करते हमने मंकी का अलार्म कॉल सुना। इस अलार्म कॉल से, मंकी के अलार्म कॉल से हमको ये महसूस हुआ कि कोई ने जंगली वन्य जीव का मूवमेंट है, टाइगर और लेपर्ड, भालू कोई भी हो सकता है। तो इस कॉल को सुनकर के हम एक साइड में हो जाते हैं। किसी भी टाइगर रिजर्व या वन्य जीव अभ्यारण्य में पैदल चलना मना है। ट्रैकिंग के लिए एक स्पेशल जो सरकार के द्वारा रास्ते रूट जो बनाए हैं उन्हीं पर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये वीडियो यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर वहाँ पे आया हूँ, जहाँ पे आम पब्लिक लिए खुला हुआ है, वहाँ पे हम इस वीडियो को बना रहे हैं। एवं यहाँ पे कई आगंतुकों का जो रिलीजियस धार्मिक प्रवृत्ति के लोग आते हैं, सावन के महीने में ये हमेशा खुला रहता है सुबह से शाम तक। आप इस वीडियो में देखेंगे कि कितना सुंदर जंगल का विहंगम दृश्य आपके सामने है, जिसमें यहाँ कई वन्य जीवों की अठखेलियाँ देखी जाती है। एवं यहाँ पे कई है जो यात्री धार्मिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ पे आते जाते हैं। बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य जंगल।